गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने 3 दिवसीय एनुअल एथलेटिक्स मीट का विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि यह विश्वविद्यालय का बड़ा आयोजन है। सबसे पहले एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूँ कि इस मेगा इवेंट को उन्होंने आयोजित किया है। इसमें जनपद के कई महाविद्यालय के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देती हूँ। वह सभी अच्छा खेलें और खेल को जीवन का भाग बनाएं, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाग लेना बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय की छात्रों के लिए ऐसे प्रतियोगिता आगे भी आयोजित करता रहेगा। आने वाले दिनों में इंटरमीट का भी आयोजन करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि इस तरह का आयोजन आगे भी होता रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, देखिए विश्वविद्यालय में बड़ा आयोजन है। सबसे पहले मैं एथलेटिक एसोसिएशन के जो हमारे लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जितने भी लोग हैं, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देती हूँ कि इस मेगा इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है। और उसके बाद हमारे बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी आए हुए हैं इसमें पार्ट करने के लिए, उन सभी को शुभकामनाएँ और अच्छा खेलें और खेल को जीवन का नियमित रूप से खेलें, एक रेगुलर पार्ट बनाएं खेल कूद को, यही मैं उनसे कहती हूँ। अब खेल में हार जीत तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आगे भी आयोजन करेगा। और अभी इंटर हॉस्टल मीट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी डेलीगेसी भी कुछ इवेंट प्लान कर रही है, रोवर्स रेंजर्स के भी इवेंट आगे होंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं नियमित रूप से ऐसे आयोजन होते रहें और हमारे कॉलेज इसमें हमारी हैंड होल्डिंग करें और साथ में हमारे ज्वाइन करें और विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, धन्यवाद।